Dear students, I am Rupali ma'am, computer trainer. Welcome to my YouTube channel, Year 1 Computer Classes. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. और अपने फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर करना, लाइक करना प्लीज ना भूलें स्टूडेंट्स. तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम जानेंगे MS Word में शॉर्टकट की मेनू बार. जो मेनू बार होता है, हमारा टाइटल बार के जस्ट नीचे मेनू बार होता है, उसमें शॉर्टकट की होती हैं. उन शॉर्टकट की को हम कैसे ओपन करते हैं और उन शॉर्टकट की का यूज कैसे होता है, ठीक है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे MS Word को ओपन करेंगे. विंडो R प्रेस किया है. MS Word की रन कमांड विनवर्ड होती है. ओके कर लीजिए. ओके स्टूडेंट्स, इसको आप यहाँ से मैक्सिमाइज कर लीजिए. तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम जान लेते हैं शॉर्टकट की टू मेनू बार. ओके स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, कभी क्या होता है कि हमारा जो माउस होता है वर्क नहीं करता. कभी हमारा माउस अगर वर्क नहीं करके दे रहा है, बाई चांस उसमें कोई लेफ्ट क्लिक या राइट क्लिक खराब हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या हमारे पास होता ही नहीं है माउस, तो हम अर्जेंटली है, बहुत ज्यादा अर्जेंटली वर्क करना है मेरे को, बहुत वेरी वेरी अर्जेंटली वर्क है, तब हम विदाउट माउस के कैसे वर्क करेंगे अपने सिस्टम में, ठीक है. तो जो कीबोर्ड होता है, हमारे जो सिस्टम में कीबोर्ड होता है, उसी का ही यूज करेंगे ओनली, ठीक है स्टूडेंट्स. तो शॉर्टकट की जो होती है हमारी मेनू बार की, आपको पता है अल्ट के साथ ही ओपन होती है. जो मेनू बार शॉर्टकट की होती है वो हमारी अल्ट के साथ ओपन होती हैं, ठीक है. अगर आप अल्ट दबाएंगे ओनली, अगर आप यहाँ पे अल्ट दबा देंगे ओनली, तो जो मेनू बार की शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ, वो आपकी सारी शो हो जाएंगी ऊपर, ठीक है. कौन सी शॉर्टकट, कौन सा जो ऑप्शन है वो कौन सी शॉर्टकट की के साथ ओपन होगा, ये सब आपको ऊपर शो हो जाएगा अल्ट के प्रेस करते ही, ठीक है. जैसे ही आप अल्ट को प्रेस करेंगे होम, ठीक है, होम की शॉर्टकट की यहाँ बता रहा है H. अल्ट के साथ अब H प्रेस करेंगे तो होम का खुल जाएगा, ठीक है. अगर इंसर्ट को आप ओपन करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ N को प्रेस करेंगे. अगर पेज लेआउट को आप ओपन करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ P, ठीक है. ऐसी रेफरेंसेस को आप ओपन करना चाहेंगे तो अल्ट के साथ S को ओपन करेंगे, ठीक है, S को प्रेस करेंगे. मेलिंग के लिए M, रिव्यू के लिए R और व्यू के लिए W. ओके स्टूडेंट्स, तो ये होती है हमारी अल्ट के साथ ओपन हुई भी शॉर्टकट की. जैसे अब अल्ट दबाएंगे हम, वैसे ही सारी शॉर्टकट की ओपन हो जाएंगी आपकी, ठीक है. अब अगर आपको होम करना है, होम में जाना है, तो आप होम के लिए H को प्रेस करेंगे, ठीक है. H प्रेस करने के बाद, ठीक है, इस टाइप से जैसे आप H दबा देंगे तो आपका ये पूरा जो रिबन होता है, ये रिबन आपका देखो पूरा शो कर रहा है. जैसे आपको यहाँ पे बता के दे रहा है, जैसे U है, N है. U से क्या है, यहाँ पे आपके बुलेट्स होंगे. U, जैसे आप U को प्रेस करेंगे ना तो बुलेट्स ओपन हो जाएंगे. U प्रेस करेंगे, देखो हो गए सारे बुलेट्स ओपन, ठीक है. इस टाइप से अगर, ठीक है, होम पे अल्ट एच, इस टाइप से हम कोई भी ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं. यहाँ पे सारी शॉर्टकट की ओपन हो जाती हैं. अगर आपको यहाँ पे ए लिख रहा है टेक्स्ट, जो यहाँ पे हम कलर करते हैं अपने फॉन्ट का, अगर आप एफ और सी को ये दबा देंगे यहाँ पे, तो आपका जो फॉन्ट कलर होगा वो आ जाएगा एफ और सी. इस टाइप से आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स. ये हमारी शॉर्टकट की होती है, जब हमारे पास माउस नहीं होता है तब हम इनका यूज करते हैं, ठीक है. अब इसके बाद आता है आपका इंसर्ट. इंसर्ट की क्या होती है, एन होती है. एन दबा देंगे आप, ठीक है. इंसर्ट में क्या, जैसे टेबल है, पेज आपका पेज ब्रेक है, ठीक है. यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे वर्ड आर्ट है. वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट में क्या है, हम वर्ड को जैसा हमारा मन होगा, जैसे हम चाहते हैं वैसे ही हम लिख सकते हैं, ठीक है. जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपको वर्ड आर्ट थर्ड नंबर पे, जो शेप आप लेंगे उसी शेप में आपका वर्ड आर्ट लिखा जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स. इस टाइप से हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है. अब आता है आपका पेज लेआउट. पेज लेआउट की शॉर्टकट की क्या है, पी. क्या है, पी. पी को आप दबाएंगे, ठीक है. इसके बाद आप देख सकते हैं आप पेज लेआउट में क्या क्या है. देखो ओरिएंटेशन है, ठीक है, और आपका कॉलम है, साइज है. अगर आपको कॉलम का खोलना है, कॉलम करना है,
तो आपको क्या होगा, जे दबाना होगा। साइज है, साइज के लिए आपको एस और जेड दबाना होगा, ठीक है। ओरिएंटेशन को आपको ओपन करना है तो आपको ओ दबाना होगा, ठीक है। इस टाइप से ही शॉर्टकट की हमारी शो होने लगती हैं, ठीक है। इसके बाद आपको वाटर मार्क है, देखो वाटर मार्क में आपको पी डब्ल्यू दबाना होगा। पेज कलर, पेज का कलर लेना है तो आपको पी सी दबाना होगा, पी सी, ठीक है। पेज कलर आप यहाँ से ले सकते हैं, देखो इस टाइप से हम पेज कलर यहाँ से ले सकते हैं कोई भी। नेक्स्ट है आपका रिफ्रेंसेस। रिफ्रेंसेस की शॉर्टकट की क्या है, अल्ट के साथ होम पे क्लिक कीजिए, अल्ट दबाइए, ठीक है। रिफ्रेंसेस का शॉर्टकट की है एस, एस दबाएंगे आप, ठीक है। अब आपने एस दबा दिया, रिफ्रेंसेस में देख लीजिए आप क्या क्या है। जैसे देखो आप एड टेक्स्ट, सही है। एड टेक्स्ट के लिए ओके स्टूडेंट, एड टेक्स्ट के लिए आप क्या दबाएंगे, ए दबाएंगे, ठीक है। अब है आपका अपडेट टेबल, अपडेट टेबल के लिए आप यू को प्रेस करेंगे, ठीक। ऐसे ही आपका इंसर्ट, इंसर्ट किटेशन है आपका, ठीक है। इसमें आप सी, इस टाइप से हम कोई भी शॉर्टकट की जो आपकी ओपन करनी है होती है आपको, उनका शॉर्टकट की आपको शो हो जाती है ऊपर, कोई एक वर्ड आप प्रेस कीजिए और वो आपका ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका मेलिंग्स। मेलिंग्स की क्या है, एम, एम को प्रेस कीजिए आप, ठीक। एम, एम को प्लेस प्रेस करने के बाद आपका आ रहा है देखो स्टार्ट मेल मर्ज, ठीक है। लेवल, लेवल की क्या है, एल, ठीक है। इस टाइप से हम कोई भी शॉर्टकट की को यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका रिव्यू। रिव्यू के लिए आप क्या 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 करना होगा, अल्ट दबाया आपने रिव्यू में, ठीक है, और यहाँ से क्या दबाया, आर, आर को प्रेस कीजिए, ठीक है। और रिव्यू में क्या है, ठीक, ये देख लेते हैं। जैसे ये है एबीसी है, स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए आपको एस दबाना होगा, ठीक है। आपको रिसर्च करना है तो आर दबाना होगा, ठीक। इस टाइप से आप यहाँ से कोई भी शॉर्टकट की दबा दीजिए स्टूडेंट्स विदाउट माउस के, हम कोई भी मेनू बार की शॉर्टकट की को ओपन कर सकते हैं। अब आता है आपका व्यू। व्यू के लिए आप अल्ट के साथ अल्ट दबाइए, डब्ल्यू होती है इसके शॉर्टकट की, डब्ल्यू को प्रेस कीजिए आप, ठीक है स्टूडेंट्स। डब्ल्यू में प्रेस करने के बाद देखो आप जूम करना है, जूम के लिए आपको क्यू दबाना होगा, 100% के लिए आपको जे दबाना है, वन पेज के लिए आपको वन, टू पेज के लिए टू दबाना होगा, पेज विद के लिए, पेज विदेथ के लिए आपके लिए आई दबाना होगा, ठीक है। स्प्लिट के लिए आपको एस दबाना होगा, न्यू विंडो लेनी है आपको तो एन दबाना होगा, ये तो शॉर्टकट की है, कंट्रोल एन से न्यू विंडो आती है आपकी, ठीक है। इस टाइप से प्रिंट लेआउट के लिए आपको पी दबाना होगा, फुल स्क्रीन करने के लिए आपको एफ दबाना होगा, ठीक है। आपको ड्राफ्ट करना है तो ई दबाना होगा, आउटलाइन के लिए यू, आपको बताया था आउटलाइन करने के लिए कंट्रोल यू होती है शॉर्टकट की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, और ये तो जो आपकी शॉर्टकट की है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की होती है, ठीक है, जो हम विदाउट माउस के यूज करते हैं। जब भी हमारे पास माउस नहीं होता है तो आज की वीडियो में आपने कीबोर्ड से या अपने सिस्टम के कीबोर्ड से ओपन करना सीख लिया होगा। जो आपकी मेनू बार की होती है उनको आपने ओपन करना सीख लिया होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।